नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार। आज हम बात बुलडोजर की करेंगे और बात बुलडोजर के उस कानून की जिसके तहत बुलडोजर चलाया जाता है। बीते शुक्रवार को हुई प्रयागराज में हिंसा के बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इस हिंसा के मुख्य सूत्रधार और साजिशकर्ता जावेद मोहम्मद के घर पर बुलडोजर चला दिया। बुलडोजर चलाते हुए प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नोटिस चस्पा किया 24 घंटे पहले, जिसमें लिखा था कि यह इमारत बिना नक्शा पास कराए बनाई गई है। मई 2022 में उस इमारत को सील कर दिया गया था और अब ध्वस्तीकरण किया जाएगा। बहरहाल बुलडोजर धड़ल्ले से चल रहा है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद खान, मुबारक, विजय मिश्रा समेत तमाम अपराधियों के साथ साथ अब बलवाइयों और उपद्रवियों के घरों पर भी, उनके शरणदाताओं के ठिकानों पर भी बुलडोजर चल रहा है। तो बात आखिर किस कानून के तहत बुलडोजर चलता है और कब चलता है? अपराधियों की करें तो अपराध में जब किसी व्यक्ति के ऊपर गैंगस्टर में मुकदमा लिखा जाता है, 14(1) की इसको कार्रवाई कहते हैं, तब पुलिस के द्वारा एक रिपोर्ट भेजी जाती है जिला प्रशासन को कि उस व्यक्ति के संपत्ति का पूरा ब्यौरा जुटाया जाता है, या यूं कहा जाए उसका पूरा ब्यौरा बताया जाता है। कौन सी संपत्ति आती है बुलडोजर की कार्रवाई के जब्त जद में, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो जिस तारीख को पहला मुकदमा किसी व्यक्ति के ऊपर दर्ज होता है, उस तारीख के बाद से अर्जित की गई हर संपत्ति को माना जाता है कि यह अपराध से जुटाई गई संपत्ति है, अपराध की कमाई से खड़ी की गई संपत्ति है। लिहाजा वो सारी संपत्तियां बुलडोजर या जब्तीकरण की कार्रवाई में आती हैं। लेकिन शर्त यह होती है कि वो संपत्ति उस अपराधी या आरोपी के द्वारा खुद खरीदी गई हो। पैतृक संपत्ति अगर ट्रांसफर होती है तो वो इस कार्रवाई की जद में नहीं आती है, या पहला मुकदमा दर्ज होने से पहले उस व्यक्ति के नाम दर्ज कोई भी संपत्ति इस कार्रवाई की जद में नहीं आएगी। बहरहाल अब तक जितनी भी संपत्तियों पर बुलडोजर चले, वो तमाम संपत्तियां ऐसी थी जो या तो सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई, या फिर अपराध से अर्जित आय से उन संपत्तियों को खड़ा किया गया। वो फिर चाहे मुख्तार अंसारी हो, खान मुबारक हो, विजय मिश्रा हो, या कोई और छोटा मोटा माफिया, संपत्ति के जब्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। यही नियम बलवाई उपद्रवी के लिए भी लागू होता है, और इसी नियम के तहत कानपुर से लेकर प्रयागराज में तक नोटिस देकर सीलिंग की जा रही है, बिल्डिंग गिराई जा रही है। यह अलग बात है कि कानपुर हो या प्रयागराज, पुलिस ने कहीं पर भी यह नहीं कहा कि हिंसा में शामिल होने के चलते इन संपत्तियों को गिराया जा रहा है। उसकी अपनी दलील है कि यह विकास प्राधिकरण के द्वारा या तो नक्शा पास नहीं कराया गया, या फिर वो बिल्डिंग अवैध तरीके से बनाई गई, नियमों के विरुद्ध बनाई गई, और इसके ध्वस्तीकरण का आदेश तो पहले ही दिया जा चुका था। आज उस ध्वस्तीकरण के आदेश का अमलीकरण हो रहा है। बहरहाल ये थी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने के नियम और कायदे की बात। लेकिन प्रयागराज से लेकर कानपुर तक अपराधी हो या बलवाई, उनकी संपत्तियों का चिन्हीकरण जारी है। यूपी तक में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।